दोस्तों नमस्कार, आज हम लेकर आए हैं आपके लिए पर्यावरण पार्ट 3। दोस्तों इससे पहले भी हमारे पर्यावरण के 2 पार्ट अपलोड हो चुके हैं, आप हमारे चैनल में जाकर उनको देख सकते हैं या फिर वो वीडियो के नीचे उनका लिंक दिया गया है, वहाँ भी इनको देख सकते हैं। दोस्तों आज हम पर्यावरण के 25 ऐसे टॉप क्वेश्चन लेकर आए हैं जो किसी भी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाते हैं, जो सारे NCERT बेस्ड है। तो दोस्तों आइए देखते हैं, वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे कब मनाया जाता है? 5 जून को। पहला क्वेश्चन से दोस्तों ऐसे मिल गया, नेक्स्ट बढ़ते हैं, शुरू करते हैं। भारत में टाइगर प्रोजेक्ट की शुरुआत कब की गई थी? जवाब दीजिए दोस्तों, राइट आंसर होगा 1973 में। ओके आगे बढ़ते हैं, टाइगर शब्द की उत्पत्ति ग्रीस भाषा के टिगारिस शब्द से हुई है। 1 अप्रैल 1973 से जिम कार्बेट में बाघ परियोजना की शुरुआत की गई थी। क्या था दोस्तों टाइगर प्रोजेक्ट? टाइगर प्रोजेक्ट के लिए दोस्तों 1972 में भारत में बाघों की गणना की गई थी और इस जनगणना में यह पाया गया कि जो भारत में बाघ है उनकी संख्या में निरंतर कमी होती जा रही है, उनके जीवन का संकट बन गया था। तो दोस्तों 1973 में इंदिरा गांधी की सरकार के समय में जिम कार्बेट नेशनल पार्क से टाइगर प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई थी। दूसरा प्रश्न है दोस्तों, दूसरा पॉइंट है, क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर सबसे बड़ा टाइगर आरक्षित क्षेत्र है वो नागार्जुन है, ये कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में है। सबसे छोटा बाघ आरक्षित क्षेत्र पैंच है जो राष्ट्रीय उद्यान है वो कहाँ पर है? महाराष्ट्र में है। अगर सर्वाधिक बाघ गंतव्य की बात की जाए तो ये कहाँ पर है? काजीरंगा। काजीरंगा कहाँ पर है? असम में है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े, प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत किस राष्ट्रीय पार्क से की गई थी? पढ़ चुके हैं दोस्तों, कहाँ से की गई थी? जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान से की गई थी। काजीरंगा विश्व का सबसे अधिक बाघ गंतव्य वाला राष्ट्रीय उद्यान, काजीरंगा में दोस्तों एक सिंग वाले गैंडे भी पाए जाते हैं जो विश्व में फेमस है। पैंच राष्ट्रीय उद्यान सबसे छोटा है बाघ आरक्षित क्षेत्र है। और गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? घास। दोस्तों गांव में जो कच्ची छत होती है उनके ऊपर घास जम जाती है, छत से हम याद रखेंगे छत्तीसगढ़, याद हो गया छत्तीसगढ़। ओके छोटे छोटे चीज़ों से दोस्तों आप रिलेट करके पढ़ेंगे तो आसानी से याद होगा, होगा क्यों नहीं, जब आप मेहनत कराओगे तो ज़रूर होगा। प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत 1973 में जिम कार्बेट नेशनल पार्क से की गई थी। कहाँ से की गई थी? जिम कार्बेट नेशनल पार्क से। कहाँ पर है ये? उत्तराखंड में स्थित है। इसकी स्थापना 1936 में अंग्रेजी अधिकारी थे हैली ने की थी। इसका नाम इसलिए हैली राष्ट्रीय पार्क भी रखा गया। आज़ादी के बाद दोस्तों इसका नाम रामगंगा राष्ट्रीय पार्क रखा गया। क्यों रखा गया? क्योंकि इसमें से रामगंगा नदी होकर गुजरती है। ये क्वेश्चन भी आता है कि जिम कार्बेट पार्क में कौन सी नदी बहती है, तो आंसर होगा रामगंगा। 1957 में जिम कार्बेट नाम के एक व्यक्ति के नाम पर इसका नाम जिम कार्बेट राष्ट्रीय पार्क रखा गया। ओके याद हुआ, जिम कार्बेट नेशनल पार्क कहाँ पर है? उत्तराखंड में है। स्थापना हुई थी 1936 में, किसने की थी? एक अंग्रेज अधिकारी थे हैली ने की थी। हैली राष्ट्रीय पार्क इसका सबसे पहला नाम था, फिर रामगंगा राष्ट्रीय पार्क रखा गया। क्यों रखा गया रामगंगा राष्ट्रीय पार्क? क्योंकि रामगंगा नदी से होकर गुजरती है। इसके बाद इसका नाम 1997 में क्या कर दिया गया? जिम कार्बेट। वर्तमान में बाघ आरक्षित क्षेत्र कितने हैं भारत में, बताइए? 50, 45, 25 या 105? राइट आंसर होगा 50। 50 है दोस्तों लगी है हमारे देश में। वर्तमान में बाघ आरक्षित क्षेत्र 50वां है, 50 है। 50वां जो बाघ आरक्षित क्षेत्र है वो कमलांग है और यह कहाँ पर? अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। 1973 में बाघ प्रोजेक्ट टाइगर 9 बाघ रिजर्व के साथ शुरू हुआ था, 9 से शुरुआत हुई थी और संख्या कितनी हो चुकी है बढ़कर बाघ रिजर्वों की? 50। सबसे बड़ा आरक्षित क्षेत्र की बात हम पढ़े तो नागार्जुन आंध्र प्रदेश में है। सबसे छोटा बाघ आरक्षित क्षेत्र पैंच महाराष्ट्र में है। सबसे अधिक बाघ गंतव्य वाला काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है, काजीरंगा कहाँ पर? असम में है। सबसे अधिक बाघ आरक्षित क्षेत्र सबसे बड़ा अगर देखे जाए तो
ये कहाँ पर है? नामदफा, सबसे अधिक बाघ आरक्षित बाघ कहाँ पर पाए जाते हैं? तो ये नामदफा, नामदफा कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश। याद कैसे होगा? नाम और अरुण, अरुण किसी व्यक्ति का नाम है तो आसानी से याद हो जाएगा नामदफा। याद करिए दोस्तों, ट्रिक व्रिक में कुछ नहीं होता, याद होना चाहिए बस। टाइगर स्टेट के रूप में किस राज्य को जाना जाता है? जवाब दीजिए, उत्तर प्रदेश, असम, गुजरात, मध्य प्रदेश। उत्तर प्रदेश के बारे में अगर पढ़ा जाए तो सबसे अधिक गन्ना उत्पादन करने वाला राज्य दोस्तों, गेहूं उत्पादन करने वाला दोस्तों, है ना, पढ़ा ना अपने सभी, गन्ना उत्पादन, गेहूं उत्पादन और जनसंख्या में भी इसे नंबर वन पर है। असम की बात की जाए तो असम में कौन सा राष्ट्रीय पार्क था? काजीरंगा, जहाँ पर बाघ का गंतव्य सब में सबसे ज़्यादा है और एक सिंह वाले गंडे के लिए भी फेमस है। गुजरात में कौन सा राष्ट्रीय पार्क है? गुजरात में दोस्तों है गिर राष्ट्रीय उद्यान, जो एशियाई सिर के लिए, सिंह के लिए फेमस है। ओके, मध्य प्रदेश इसका राइट आंसर होगा दोस्तों। टाइगर स्टेट के रूप में जाना जाता है मध्य प्रदेश को, क्यों? क्योंकि यहाँ बाघों की संख्या सबसे ज़्यादा है। मध्य प्रदेश को भारत का दिल भी कहा जाता है दोस्तों, क्यों कहा जाता है? क्योंकि यह इंडिया मिडल हार्ट, इंडिया के मिडल में है, इसलिए इसको बोला जाता है टाइगर स्टेट। मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट के रूप में जाना जाता है। टाइगर क्यों जाना जाता है? क्योंकि 2019 में आई बाघ रिपोर्ट के अनुसार सबसे अधिक बाघ मध्य प्रदेश में पाए गए। कितने पाए गए? 526 पाए गए। छोटी छोटी बातें दोस्तों, नोट करिए, नोट्स बनाइए, याद करिए, ये एग्ज़ाम में पूछी जाती है। 1972 में पहली बार भारत में जनगणना हुई थी। कितने वर्ष के बाद होती है? 4 वर्ष के बाद होती है। लास्ट कब हुई? 2018 में रिपोर्ट आई 19 में। बाघ जनगणना रिपोर्ट 2019 के अनुसार 2014 के मुकाबले बाघों की संख्या बढ़कर वृद्धि हुई है। 14 में कितने थे? 2226 थे, वर्तमान में 2967 हो चुके हैं। अगर खराब पोजीशन की बात की जाए तो दोस्तों इसमें पहला स्थान मिला है किसको? छत्तीसगढ़ को। किसको मिला है? छत्तीसगढ़ में। इसमें बाघों की संख्या 40 से घटकर कितनी रह गई है? 49 रह गई है। दोस्तों हम स्कूल में कहते थे ना भाई, हमने तो टॉप किया पर नीचे से किया, तो इसी तरह नीचे से टॉप किसने किया? छत्तीसगढ़ ने। बाघ दिवस कब मनाया जाता है? 29 जुलाई को मनाया जाता है, ताकि बाघों के संरक्षण के लिए एक दिवस मनाया गया। मध्य प्रदेश को राष्ट्रीय उद्यान में हर वर्ष मोगली उत्सव मनाया जाता है दोस्तों, ताकि बाघों की रक्षा की जाए, लोगों को जागरूक किया जाए। कहाँ मनाया जाता है मोगली उत्सव? मध्य प्रदेश में, जिसको हम टाइगर स्टेट कहते हैं, जिसको हम मिडल ऑफ हार्ट ऑफ इंडिया कहते हैं। ओके, टाइगर मैन किसे कहा जाता है? जवाब दीजिए, टाइगर मैन कहा जाता है दोस्तों कैलाश सांखला को। क्यों कहा जाता है टाइगर मैन? क्योंकि 1973 में जो प्रोजेक्ट टाइगर सुना चालू हुआ था ना इंदिरा गांधी की सरकार के समय में, इसमें इन्होंने बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया था। ओके, इसलिए इनको टाइगर मैन कहा जाता है। पढ़ते हैं, कैलाश सांखला भारत में टाइगर मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। 1973 में टाइगर प्रोजेक्ट में अहम योगदान दिया। इनका संबंध राजस्थान से और पद्म श्री पुरस्कार से भी सम्मानित किए जा चुके हैं। इतना महत्वपूर्ण काम किया तो दोस्तों सम्मान तो मिलना लाजमी है। दोस्तों कुछ मानव ऐसे होते हैं जो प्रकृति के लिए खतरा बने हुए हैं, मनुष्य से ज़्यादा खतरनाक कोई चीज़ नहीं है। चाहे बाघ हो, शेर हो, हाथी हो, कछुए हो, मगरमच्छ हो, सबके लिए खतरे के घंटे बना है मानव, है ना दोस्तों? तो मानव से बड़ा दानव भी धरती पे कोई नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरह बढ़े, भारत में हाथी संरक्षण परियोजना कब चालू हुई थी? जवाब दीजिए, हाथी संरक्षण परियोजना दोस्तों 1992 में स्टार्ट हुई थी। विस्तार से पढ़े, 1992 में गजदा में हाथी के नाम से हाथी संरक्षण परियोजना शुरू हुई थी। कहाँ से? झारखंड के सी भूमि से। 22 अक्टूबर 2010 में हाथियों के भविष्य को सुरक्षित रखने के लिए राष्ट्रीय विरासत पशु घोषित किया गया है। राष्ट्रीय विरासत पशु है हाथी। और जलीय जीव कौन है दोस्तों? जलीय जीव है गंगा डॉल्फिन, है ना, डॉल्फिन, ये भी आप याद रखेंगे। जलीय जीव है कौन? डॉल्फिन। इसको कब किया गया था राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित? 2009 में। ओके,
इसको सुंस भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सुंस। आप नाम सुना होगा सुंस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। तो हाथी दिवस कब मनाया जाता है? जवाब दीजिए दोस्तों फटाफट। 11 जुलाई, 29 जुलाई, 24 दिसंबर, 12 अगस्त। जवाब दीजिए। तो राइट आंसर होगा दोस्तों 12 अगस्त को मनाया जाता है हाथी दिवस। 11 जुलाई को क्या मनाया जाता है? जनसंख्या दिवस। याद होगा जनसंख्या दिवस। 29 जुलाई को क्या मनाया जाता है जो दोस्तों अभी पढ़ा था हमने? टाइगर बाघ दिवस। याद रखेंगे दोस्तों सभी चीज़ें। 24 दिसंबर को यूएनओ दिवस। पढ़ने का तरीका दोस्तों यही होता है कि एक क्वेश्चन से कई क्वेश्चन हम याद करें। 12 अगस्त को हाथी दिवस मनाया जाता है। देश में पहला हाथी पुनर्वास केंद्र हरियाणा के कहाँ स्थापित किया गया? यमुनानगर जिला में, यमुनानगर में। हाथी के सफ़ेद दांत का जो भाग होता है दोस्तों उसको आइवरी कहते हैं। बहुत चमकीला होता है, बहुत ही सफ़ेद होता है। इसका प्रयोग कीमती सामान के लिए किया जाता है, इसलिए हाथियों का शिकार किया जाता है और इनके संरक्षण का खतरा भी बढ़ गया है। नेक्स्ट, कछुआ संरक्षण अभियान कहाँ से शुरू हुआ था? कितना खतरनाक हो गया मनुष्य, बाघ, हाथी, कछुआ सबके लिए खतरनाक बना हुआ है। कछुआ संरक्षण अभियान कहाँ से शुरू हुआ था दोस्तों? तो राइट आंसर होगा, जवाब दीजिए, काजीरंगा असम में, नामदफा अरुणाचल प्रदेश में, सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? हरियाणा में, HR हरियाणा। भितरकनिका कहाँ पर है दोस्तों राष्ट्रीय उद्यान? उड़ीसा में। यहीं से इसकी शुरुआत हुई थी कछुआ संरक्षण अभियान की। ओके, देखिए कुछ पढ़े इसके बारे में कुछ चीज़ें। कछुआ संरक्षण अभियान 1975 में भितरकनिका उड़ीसा से शुरुआत की गई थी। यह ओलिव रिडले प्रजाति के कछुआ संरक्षण के लिए शुरू की गई थी। ओलिव रिडले कछुआ संरक्षण। इसी के साथ भितरकनिका से 1976 में एक योजना शुरू की गई थी, उसका क्या नाम था? मगरमच्छ, मगरमच्छ संरक्षण अभियान चलाया गया था दोस्तों। ओके, नेक्स्ट बढ़े तो सेब क्या है? सेब क्या है और किसके संरक्षण के लिए आरंभ किया गया है? जवाब दीजिए। गिद्धों के लिए, एशियाई शेरों के लिए, हिरण संरक्षण के लिए, मगरमच्छ संरक्षण के लिए। तो राइट आंसर होगा दोस्तों गिद्ध संरक्षण के लिए। पढ़े सेव, सेव की फुल फॉर्म होती है सेविंग एशिया वल्चर्स फ्रॉम एक्सटेंशन। सेविंग एशिया वल्चर फ्रॉम एक्सटेंशन, यह प्रोग्राम गिद्धों के संरक्षण के लिए पूरी एशिया में चलाया जा रहा है, जिसका उद्देश्य है गिद्धों को समाप्त होने से बचाना है। दोस्तों एक दवाई आती है डाइकोफ्लेनिक, डाइकोलोफिनेक, इस पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया है। इसके कारण दोस्तों गिद्धों की मौत बढ़ रही थी, हो रही थी। ओके, कौन सी दवाई पर प्रतिबंध लगा दिया गया? डाइकोफ्लेफिनेक पर। और भारत में पहला गिद्ध प्रजनन केंद्र कहाँ पर खोला गया? पिंजौर में। ये भी आप याद रखेंगे दोस्तों। वीडियो अच्छे लगे तो जो आपने करना है कर दियो। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और अच्छी वीडियो में।